एक्शन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएपी यूट्यूब। मैं आपका होस्ट चैनल सुनाने से एक नया टेक न्यूज लेकर आया हूं। नंबर फाटा डिले, लेट गेट स्टार्टेड। सो एंजॉय। तो पहली खबर आ रहा है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज एंड सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 ये दोनों का ऑफिशियल लॉन्च डेट बाहर आ गया है। तो सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज में तीन फोन होंगे, सैमसंग गैलेक्सी S22, सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस एंड सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। एंड सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा का एक क्लोज इमेज बाहर आया है, तो आप लोग देखिए स्क्रीन पर, यह सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा का इमेज। तो यहाँ पे पीछे आपको क्वाड कैमरा या फिर क्वाड कैमरा का सेटअप दिख रहा है पीछे, आप देखिए आप क्वाड कैमरा सेटअप दिख रहा है। एंड अगर इसका लॉन्च डेट के बारे में बताओ तो ये फ़ोन 9 फरवरी 2022 में ये फ़ोन ऑफिशियली लॉन्च होगा। तो अगर आप लोग सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज एंड सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 सीरीज के लिए वेट कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताना। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वन प्लस की तरफ से। तो वन प्लस नॉर्ड CE2 5G ये फ़ोन का ऑफिशियल लॉन्च डेट बाहर आ गया है। तो मैक्स जॉम्बर जो एक टिप्सटर है जो वन प्लस के रिलेटेड टिप्स देता है एंड उसका टिप्स करीब करीब सही भी निकलता है, तो उसने आज ट्वीट करके बता दिया कि वन प्लस नॉर्ड CE2 5G ये फ़ोन 11th of February को लॉन्च होगा। एंड इसमें होगा 6.43 इंच 90Hz फुल HD प्लस का डिस्प्ले होगा, डायमंड सिटी का 900 का चिपसेट होगा, 64MP ट्रिपल रियर कैमरा होगा एंड 16MP फ्रंट कैमरा होगा। एंड बताया जा रहा है कि ये फ़ोन 24,999 में लॉन्च होगा, यानी कि 25,000 की रेंज में फ़ोन लॉन्च होगा। अगर इसी प्राइस पर वन प्लस नॉट CE2 5G लॉन्च होता है तो मिड रेंज की मार्केट को किल कर देगा टोटली। तो हम लोग वन प्लस नॉट CE2 5G के लिए वेट करेंगे, देखते हैं फ़ोन क्या प्राइस पर 11th of February को लॉन्च करते हैं, तो हम लोग वेट करेंगे। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है रियलमी की तरफ से। तो रियलमी 9 प्रो प्लस का फुल स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस रिवील हो गया है लॉन्च से पहले। तो बताया जा रहा है कि इसमें होगा 6.43 इंच एमोलेड 90Hz का फुल HD प्लस डिस्प्ले होगा एंड इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, डायमंड सिटी 920 चिपसेट के साथ आएगा, 4500mAh की इसमें बैटरी होगी विथ 65W की सुपर फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलेगा, 50MP सोनी OIS प्लस 8MP प्लस 2MP ट्रिपल रियर कैमरा होगा एंड 16MP का फ्रंट कैमरा इसमें मिलेगा एंड एंड्रॉयड 12 के साथ आएगा आउट ऑफ द बॉक्स एंड इसमें माली G68MC4 गेमिंग ग्राफिक्स होगा, तो आप इसमें हाई लेवल का गेम इजीली खेल पाएंगे। एंड इसका प्राइस बताया जा रहा है कि 22,000 के आसपास ये फ़ोन लॉन्च करेगा। अगर इसी प्राइस के आसपास ये फ़ोन लॉन्च करता है तो मेरे हिसाब से मार्केट को लिटरली किल कर देगा रियलमी 9 प्रो प्लस। तो हम लोग वेट करेंगे, देखते हैं फ़ोन क्या सच में 22,000 के रेंज में लॉन्च होता है या फिर उससे ज़्यादा प्राइस पर लॉन्च करते हैं। तो हम लोग रियलमी 9 प्रो प्लस 5G फ़ोन के लिए वेट करेंगे। तो नेक्स्ट शॉट आ रहा है मोटोरोला की तरफ से। तो मोटोरोला फ्रंटियर ये फ़ोन जुलाई में 2022 में जुलाई में फ़ोन ग्लोबली लॉन्च होगा एंड ये फ़ोन वर्ल्ड का पहला फ़ोन होगा जिसमें 200MH की आपको रेयर कैमरा के साथ ये फ़ोन आएगा। तो इसका अगर थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन के बारे में बताओ तो इसमें होगा 6.67 इंची कार्ब्ड एमोलेड 144Hz का रिफ्रेश रेट वाला आपको एक डिस्प्ले मिलेगा, मतलब डिस्प्ले का क्वालिटी ऑसम होने वाला है एंड इसमें स्नैपड्रैगन का 8th Gen 1 का लेटेस्ट चिपसेट होगा जो ऑसम परफॉर्मेंस देगा आपको। उसके साथ आपको 4500mAh की बैटरी, उसके साथ आपको 125W की सुपर फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा, मतलब सुपर फास्ट चार्जिंग आपको सच में देखने को मिलेगा इस पे। एंड इसमें आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप होगा, 200MP प्लस 50MP प्लस 12MP का ट्रिपल रियर कैमरा होगा एंड आपको 60MP की फ्रंट में सेल्फी मिलेगा। तो ये एक वर्ल्ड का पहला फ़ोन बन जाता है जिसमें आपको 200MP का कैमरे के साथ ये आएगा। तो मेरे हिसाब से इसका प्राइस भी बहुत होगा, लगभग 50,000 से ऊपर इसका प्राइस होगा, बहुत महंगा होगा, लेकिन वर्ल्ड का पहला फ़ोन ये बन जाएगा जिसके साथ 200MH की कैमरे के साथ ये फ़ोन आएगा। तो हम लोग वेट करेंगे मोटोरोला के फ्रंटियर इस फ़ोन के लिए जुलाई में, बताया जा रहा है कि जुलाई में लॉन्च होगा, तो हम लोग वेट करेंगे। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है जियो की तरफ से। तो जियो का 5G नेटवर्क की स्पीड टेस्ट की स्क्रीनशॉट बाहर आ गई है, तो आप लोग देखिए स्क्रीन पर। तो 5G नेटवर्क पे जियो का
और डाउनलोडिंग स्पीड है 420 Mbps एंड 4G नेटवर्क पे जियो का स्पीड था 47 Mbps जो आपको 8 गुना ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करता है 5G नेटवर्क पर। और अगर अपलोडिंग स्पीड के बारे में बताऊँ तो अपलोडिंग स्पीड 5G में जियो का अपलोडिंग स्पीड है 412 Mbps एंड 4G नेटवर्क में था ओनली 26 Mbps जो 15 गुना ज़्यादा है 4G नेटवर्क से। एंड बताया जा रहा है कि 5G नेटवर्क पहले अवेलेबल होगा 13 मेट्रो सिटी में, उनमें इंक्लूड है दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई और बहुत सारा मेगा सिटी जो है मेट्रो सिटी, वो सारे में पहले आपको 5G की सुविधा मिलेगी। तो देखते हैं ऑन पेपर तो ये बहुत स्पीड दिखा रहा है, तो हम लोग जब हाथ में आएगा तब स्पीड को चेक करके बताएंगे कि सच में इतना ही स्पीड देता है या फिर इससे भी कम देता है। तो हम लोग 5G जियो 5G के लिए वेट करेंगे। तो ये थी आज की टेक्नोलॉजी, आशा करते हैं कि आपको टेक्नोलॉजी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जोड़ देना और लाइक देकर मोटिवेट करना, ऐसे हेल्पफुल कंटेंट बनाते रहते। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरे चैनल का तो सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइबर का बटन से प्रेस कीजिए और बेल आइकन को इनेबल कीजिए। फिर से मुलाकात होगी ना एक वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।